走，你將靈魂嗰啲咁樣曬完，喂？देखिए पूज्य अटल जी का, जैसा कि आप सब अवगत हैं, 16 अगस्त को उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था और 17 तारीख को अंतिम संस्कार के पश्चात पहले हरिद्वार में अस्थियों के विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और देश के अलग अलग भागों में जो पवित्र नदियां हैं वहां पर भी अस्थियों के विसर्जन का कार्यक्रम हो रहा है। प्रदेश में भी सभी 18 मंडलों में अलग अलग स्थानों पर अस्थियों के विसर्जन के लिए आज प्रदेश सरकार के एक कोई मिनिस्टर और संगठन के कोई प्रदेश के पदाधिकारी की अगुवाई में यह अस्थि कलश लेकर के लखनऊ से सब लोग रवाना हुए हैं। उसी क्रम में आज संगम, पवित्र संगम में अस्थि विसर्जन के लिए हमारे प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी और प्रदेश में संगठन के प्रदेश मंत्री अमरपाल जी, आप दोनों की अगुवाई में यहाँ पर अस्थि कलश पहुँच चुका है। कल 10 बजे तक यहाँ पर सर्किट हाउस में जो भी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे यहाँ पर होगा और इसके पश्चात हम लोग संगम के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे और लगभग 12 बजे के आसपास संगम में पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों को विसर्जित करने का कार्यक्रम होगा। और पूज्य अटल जी के बारे में आप सब जानते हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि इस देश के सभी राजनीतिक दलों ने अटल जी का जो पूरा जीवन है, सार्वजनिक जीवन है, चाहे वह कवि के रूप में, चाहे पत्रकार के रूप में, चाहे सांसद के रूप में, चाहे नेता विपक्ष के रूप में, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में, वह सब लोगों ने उसका वर्णन किया है जो एक बार पूज्य अटल जी से मिला है और उनकी यादें पूरा देश कर रहा है और सारा देश उनको, मैं कहूँ कि 125 करोड़ जनता के हृदय सम्राट और इस देश के अभूतपूर्व प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने एक गौरव गाथा लिखी है, उसमें से प्रयाग चूँकि एक ऐसा पवित्र स्थल है जहाँ देश और दुनिया में कहीं पर भी कोई हिंदू परिवार में घटना कुछ घटती है तो यहाँ अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं और पूज्य अटल जी की अस्थियों को यहाँ पर भी विसर्जित करने के लिए कल का कार्यक्रम है, उसी के लिए हम सब